जिले के रामनगर ब्लॉक के सारंगडी बुद्धिपुर के प्राथमिक विद्यालय में पिछले दो सालों से शौचालय की नियमित सफाई न होने के कारण काजल सहित 176 बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय में बच्चे इसलिए नहीं जाते हैं कि शौचालय ऊपर से ढका हुआ नहीं है, खुला हुआ है और बांस है बगल में, बांस का पत्ता जाता है और उसके बाद जो है आम का पेड़ है, गंदगी की वजह से नहीं जा रहे हैं बच्चे और पानी भी नहीं है इसीलिए नहीं जाते हैं बच्चे। बच्चे से लेके सब लोग मतलब बाहर जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। हम लोग दो चार महिला भी हैं, हम लोग बहुत प्रयास किए और हमारे सर वगैरह भी प्रयास किए और उसके बाद हम लोग प्रधान जी से भी बोले, भाई ये समस्या है इन्हें साफ करवा दीजिए, नहीं ऊपर पत्रा रखवा दीजिए, लेकिन ये समस्या हल नहीं हो पाया। आपके विद्यालय में कितने बच्चे का नामांकन है? 176 बच्चों। बच्चे शौच के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे शौच के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है तो इस वजह से बच्चे शौचालय में नहीं जा पा रहे हैं। विद्यालय की तरफ से प्रयास किया गया मैडम, जब से जब कुछ आता है तो लिख के हम लोग भेज देते हैं, लेकिन अभी अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। आपके विद्यालय में शौचालय है? हाँ। तो शौच के लिए कहाँ जाती हैं, शौचालय में जाती हैं? नहीं मैम, गंदा है। गंदा है तो कहाँ जाती हैं मैम? बाहर। बाहर जाने में क्या दिक्कत होती है मैम? सड़क है, सड़क पे पब्लिक बहुत देखते हैं। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि जौनपुर जिले के BSA के मोबाइल नंबर 8765959001 पे कॉल करके दबाव बनाएं ताकि बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिले के उत्तर प्रदेश, इंडिया नहड़ के लिए।